रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुम्हारा नाटक अब खत्म हो चुका है और तुम्हारी नौटंकी देखने वाले सारे दर्शक भी घर जा चुके हैं। ये मेरी सहेली की माँ है, मैं इन्हें अपनी माँ की तरह समझती हूँ। यही है वो महान इंसान जिन्होंने आपकी माँ जी को ढूंढकर हॉस्पिटल तक लाया। थैंक यू सर। मेरी कसम तोड़ के सत्यनारायण की कथा सुनना भी जरूरी है, और कहीं मुझे कुछ हो गया तो। मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है भैया, तुम वो जैसे अच्छे खासे आदमी को पागल खाने कौन भिजवाएगा? प्रियंका, मैंने प्रियंका भाभी को एक बूढ़ी औरत और एक डॉक्टर के साथ पागल खाने में देखा था। मुझे यहाँ की पल पल की खबर देते रहना। कल इस घर में सत्यनारायण की पूजा है और इस घर में पूरा समाज इकट्ठा होने वाला है। तुम्हें सही समय देखकर सही निशाना लगाना है। अरे जरा एक मिनट सुनो तो। मैं आपके सारे काम बाद में सुनूंगी। पंडित जी का इंतजार कर रही हूँ, उस पूजा की सारी तैयारी हो गई, पंडित जी अभी तक नहीं आए। ये लो बेटा। अरे गंगा। आया मैम साहब। जल्दी आ जी। देखो पंडित जी अभी तक नहीं आए, जाकर देख कर आ जाओ। मैम साहब देख कर आऊं कि लेकर आऊं? लेकर आओ। जया, कितने दिनों के बाद हमारे घर में खुशी का ये दिन आया है। अपना विशाल भी घर पर आ गया। अब सत्यनारायण की पूजा के बाद देख लीजिएगा, हमारी खुशियों के बीच आने वाले सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। हेलो। हेलो आंटी, मैं राकेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आंटी प्लीज, मैं सोनिया से बात कर सकता हूँ? लेकिन सोनिया तुमसे बात करना नहीं चाहती है। आंटी प्लीज, उससे कहिए कि कुछ अर्जेंट है। राकेश बेटे, जब वो तुमसे बात करने ही नहीं चाहती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती, समझे? लगता है सोनिया मुझसे नाराज है, इसीलिए मुझसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन लेकिन मैं क्या करूं? अरे राकेश सुनो, अच्छा मिल गया। एक काम करो, ये केले के पत्ते जाके मंदिर में रखो। जी okay? मैं कह रही हूँ ये केले के पत्ते वहाँ जाके मंदिर में रख दो, ओके? भाभी भाभी भाभी। हाँ भाभी, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। भाभी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ प्लीज? नहीं राकेश, पिछली बार भी तुमने ड्रग्स लेने के चक्कर में इस घर से बाहर जाने की कोशिश की थी। नहीं भाभी, मैं ड्रग्स लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ। तो फिर कहाँ जा रहे हो? भाभी वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। नहीं राकेश, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे। आज इस घर में सत्यनारायण की पूजा है, सभी इस पूजा में शामिल होने वाले हैं। अगर तुम नहीं होगे तो नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। भाभी भाभी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, मैं आ जाऊंगा ना जल्दी। अरे ये मैं क्या कर रही हूँ? पहले मैंने ही आग लगाई और अब मैं ही बुझा रही हूँ? नहीं नहीं भाभी प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे जाने दे रही हूँ और तुम्हें 1.5 घंटे में पूजा शुरू होने से पहले वापस लौटना है, ओके? पक्का बाबा, मैं आ जाऊंगा ना, उससे जल्दी आ जाऊंगा, ओके? हाँ। यहाँ से नहीं बाबा, वहां पीछे से जाओ। ओके। ये आपने
इतनी सारी तैयारी करने क्या के लिए। अरे खुश रहो बेटे, सुखी रहो। बहुत अच्छा किया तुम लोग इस खुशी के मौके पर आए हो, लेकिन फोन पर आने के लिए तुम आना का नहीं क्यों कर रही थी? वो माँ माझी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, अब कैसी है उनकी तबीयत? अब ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो चलो अंदर आओ। चलो चलो कुत्ते बदमाश, नानी को मोटी कहता है। विशाल, विशाल प्लीज मुझे छोड़ो। विशाल, क्या बात है प्रियंका, तू मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रही है? तू मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, हमने अग्नि के साथ फेरे लेकर साथ मरने जीने की कसमें भी खाई हैं। प्रियंका, तुमने कई बार सारी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, किया है ना? तो फिर तुम मुझे वो काम करने से क्यों रोक रही हो जो दुनिया का हर पति अपनी पत्नी से करता है? देखो ना मेरी तरफ प्रियंका, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, बहुत सताया है तुमने, और तुमने तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, हमेशा मेरी इज्जत का ख्याल रखा है। तुम मेरे बच्चे की मां बनी है ना, तुम फिर मेरी वजह से बच्चा गिर गया, तुम पियानो से टकराई थी जब मैंने तुम्हें धक्का दिया था, याद है? कितने अत्याचार किए मैंने तुम पर, लेकिन जानती हो अब तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हें और नहीं सताना चाहता। विशाल, विशाल प्लीज, प्लीज विशाल, प्लीज विशाल, प्लीज विशाल, प्लीज प्रियंका, प्लीज। क्या हुआ, क्या बात है विशाल, कहीं तुम दोनों में फिर से तो नहीं? माँ ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल गलती से मेरा हाथ लग गया और ग्लास गिर गया, मैं अभी उठा लेती हूँ। ठीक है, कितना झूठ बोलती हो तुम, वो भी माँ से, सच सच क्यों नहीं कह दिया? प्रियंका, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सच्चाई जानता हूं, जानती हो ना? खेल अब भी वही रहेगा, खेल बंद नहीं होगा, सिर्फ खेल के नियम बदल जाएंगे। तुम देखती जाओ प्रियंका, अब मैं तुम्हारा क्या हाजिर करता हूं। भीषण जी कहाँ चले गए? चल देखते इसको। चल 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 चल। अरे नरेश पेशेंट कहाँ चला गया? अरे वो पागल कहीं अस्पताल से बाहर ना चला जाए, चलो ढूंढते उसे। चल चल चल। नरेन, नरेन। सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की पूजा संपन्न होती है। अब हम जो इस पूजा में त्रुटि रह गई है, जो हमसे भूल हो गई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदमस्तुते सत्यनारायण देवम वंदेयम कामदम प्रभु लीलाया विद्वम विश्वम येन तस्मै नमो नमः। अब
जिस कार्य के लिए, जिस निमित्त हम यहां भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, और जिन लोगों ने पूर्व जन्म में, पूर्व समय में ये पूजन किया है, उसकी कथा का वृतांत हम आप लोगों के सम्मुख करेंगे। इसकी विधि और समय क्या है तथा इससे पहले किस किस ने इसे किया है, कृपा करके यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है, सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है, प्राणी को चार पूरी आस्था रखते हैं, बंधु बांधो सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण। जब वो सत्यनारायण की पूजा में देखने जा रहा था। अरे एक छोटा सा बच्चा पूजा पाठ में क्या विघ्न डालेगा, और तुम इसे समझा भी तो सकती थी। अब तुम होती कौन हो इसे हाथ लगाने वाली, कौन हो तुम? जी आप मुझे इस घर की बहू ही समझिए। बहू? राकेश की बहू हो तुम? नहीं नहीं, राकेश से बड़े भाई है ना इस घर में। शेखर और विशाल तो शादीशुदा है। मुझे तो लगता है इस घर के संस्कार ही मर गए। मुझे तो लग रहा है ये घर नहीं पागलखाना लग रहा है। पूजा और प्रवचन की आड़ में पता नहीं यहाँ क्या क्या होता है। अरे ये तो बेशर्मों का घर है। चलो बहनों चलो, यहाँ हमें एक मिनट नहीं रुकना। चलो, 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 चलो। ये सब क्या है? पूजा में शांति और अच्छे वचनों का वास जरूरी है। इस तरह के विघ्न आना एक अपशकुन है। डैडी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस गिरी हुई लड़की को अपनी उंगली पकड़ने का मौका मत दो। आज इसी कमजोरी का जो नतीजा है, इस लड़की ने इसी घर में रहकर सबके सामने एक नाजायज रिश्ता जोड़ने की बात कही और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और प्रियंका, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि ये बात खत्म हो जाएगी और दब जाएगी और ये केस रफा दफा हो जाएगा। इस लड़की ने इसी घर में रहकर सबके सामने बता दिया कि इस घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और माजी, बहुत अच्छी करवाई अपने सत्यनारायण की कथा। काम्या एकदम ठीक कह रही है। आखिर उस दिन इस लड़की का सबके बीच में वो बेहूदा हरकत करने का क्या मतलब था? हमारी बेइज्जती करना और क्या। मैं तो अब भी आपसे कहती हूँ कि इस लड़की को धक्के देकर बाहर निकालिए, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा कि अपने घर का मलबा ढूंढने हमें दूसरे शहर जाना पड़ेगा। वैसे भैया, काम्या ठीक कहती है। अरे ये औरत तो मुझे एक पल नहीं सुहाती। पता नहीं किस किस को इस घर में घुसा रखा है, और अपने घर के लोग अस्पताल और पागलखाने में तड़प रहे हैं। हाँ वैसे प्रियंका, तुमने ठीक नहीं किया। जहाँ घर की बुरी नजर को दूर करने के लिए घोड़े की नाल लगाई जाती है, तुम इस मजबूत लड़की को ले आई हो। चली जाऊंगी यहाँ से। वैसे भी हमेशा के लिए कौन आया यहाँ रहने? चली जाना, वैसे भी ये घर कहाँ है? 500 रुपए पर डे की लॉज है, जहाँ लोग आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। हाँ देख लूंगी आप सब लोगों को भी। अब मेरी अगली मुलाकात आपसे अदालत में ही होगी।
क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जानती हो प्रियंका, रात के समय जब मौसम इतना अच्छा हो ना, तब किताबें पढ़ के वक्त जाया नहीं करना चाहिए, उस वक्त कुछ और करना चाहिए। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना प्रियंका? नहीं, मैं ठीक हूँ। या फिर तुम्हें मेरी हरकत पसंद नहीं आई? जानती हो, एक आदमी को अगर बूढ़ा नहीं होना ना, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने बचपने को नहीं खोना चाहिए, और दूसरा, उसे रोमांटिक होना चाहिए। जी जी, मेरे पास आओ ना, कितनी सुंदर लग रही हो। क्या हुआ? अरे, आखिर मैं तुम्हारे बच्चे का बाप था, अब प्रॉब्लम क्या है? वो विशाल उस दिन नशे में वो सब कुछ। तो क्या हुआ, उस दिन मैं नशे में था, आज नशे में नहीं हूं? Yes. मैं भी आ रहा हूं, एक जरूरी काम आ गया।